इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर को सब्सक्राइब करने के लिए ये वाला बटन दबाएं। वेलकम फ्रेंड्स मेरे चैनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आज हम बात करने वाले हैं एक नई न्यूज आई है नेशनल पेंशन स्कीम में जितने भी ऑटोनोमस बॉडीज के कर्मचारी हैं उनको लेकर यह न्यूज है ग्रेचुअटी के नियम को लेकर कुछ ऑटोनोमस बॉडीज में अभी तक भी ग्रेचुअटी लागू नहीं हुई है तो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑटोनोमस बॉडीज के कर्मचारी हैं जिनको ग्रेजुएटी नहीं मिल रही है उन्हीं के लिए आज की न्यूज है लेटेस्ट न्यूज आई है लेटेस्ट लेटर आया है भारत सरकार का तो चले देखते हैं इस पूरे खबर को तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं भारत सरकार के लेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ये लेटर आया है ये कंप्लीटली लेटर एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए है ठीक है और ये लेटर कब का है 16 दिसंबर 2022 का है अभी लेटेस्ट का लेटर है ये ये क्या बता रहा है एप्लीकेबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972 सेवेंटी टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जितनी भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आती है चाहे केवी हो एनवीएस हो कुछ भी हो उन सब के लिए ग्रेजुएटी एक्ट की जो 1972 का ग्रेजुएटी एक्ट है उसके संबंध में एप्लीकेबिलिटी को लेकर जो परेशानी आ रही थी जो रूल्स एंड रेगुलेशन में दिक्कत आ रही थी उसको यहाँ क्लियर किया गया है ग्रेजुटी एक्ट 1972 क्या है और किसके लिए एप्लीकेबल है वो सारे का मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना रखा है आप का जरूर देखें वो कंप्लीट वीडियो है उसमें सारी जानकारी मिलेगी अब हम इसको देख लेते हैं ये क्या कह रहा है देखिए द अंडर साइंड इज डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म दैट द इश्यू ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी टू द एम्प्लॉज कवर्ड अंडर न्यू पेंशन स्कीम इन द दस बॉडीज ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज़ बीज एग्जामिड इन कंसल्टेशन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन्होंने क्या किया सारा का सारा जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसके साथ इन्होंने तालमेल किया है कि जो ग्रेच्यूटी एक्ट लागू किया था ऑटोनोमस बॉडीज के लिए भी लागू कर किया जा चुका है क्या वो ग्रेचुअटी एक्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पर भी लागू होता है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने पूछा था किससे फाइनेंस डिपार्टमेंट से तो फाइनेंस डिपार्टमेंट वालों ने क्या जवाब दिया है और ये लेटेस्ट लेटर इसका आदेश है द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ठीक है ये डेटेड है हैज एडवाइज दिस मिनिस्ट्री टू इंस्ट्रक्ट ऑटोनोमस बॉडीज ऑर्गेनाइजेशन टू अडोप्ट पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972 सेवनटी टू इन कंसल्टेशन विथ एमओल एंड ई सेंस सी पेंशन रूल्स नाइनटीन सेवेंटी टू आर स्ट्रिक्टली मींड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली तो इन्होंने क्या किया है आदेश क्या दिया है एक एडवाइस दे दिया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को कि आपके जितने भी डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय में जितने भी इंस्टीट्यूट आते हैं एजुकेशन से रिलेटेड उन सभी में आप ग्रेचुएटी एक्ट 1972 लागू कर दीजिए और कर्मचारियों को ध्यान रखना ये एनपीएस के तहत बता रहा हूँ नेशनल पेंशन स्कीम में आने वाले समस्त कर्मचारी जो डिपार्टमेंट जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में अंडर में आ रहे हैं चाहे से केंद्रीय विद्यालय हो नवोदय विद्यालय या और भी कोई विद्यालय हो उन सभी डिपार्टमेंट्स में ग्रेचुएटी एक्ट 1972 के तहत डेथ ग्रेचुएटी और रिटायरमेंट ग्रेजुएटी का अप्रावधान प्रावधान हो गया है जिससे आपको भी ये मिलेगी फर्दर वाइड लेटर द हैज क्लरिफाइड दैट पेमेंट ऑफ ग्रेचुएटी एक्ट 1972 टू इज एप्लीकेबल टू ऑल इंप्लॉइज ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट तो अब जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के एम्प्लॉय हैं उन सबके ऊपर भी पेमेंट ऑफ ग्रेचुएटी एक्ट 1972 लागू किया जा चुका है फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट की तरफ से क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि जितने भी शैक्षणिक कर्मचारी हैं शिक्षा से संबंधित कर्मचारी हैं ऑटोनोमस बॉडीज में है एनपीएस में कवर्ड है उन सबको भी आप ग्रेजुएटी दे दीजिए एज द सेट एक्ट डज नॉट हैव प्रोविजन फॉर डिफरेंट सेट कैटेगरी क्लास ऑफ एम्प्लॉइज एंड फर्दर दैट नो सेपरेट नोटिफिकेशन इज रिक्वायर्ड टू issued बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ said act इसके लिए आपको और किसी भी अदर नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है कोई और लेटर की जरूरत नहीं है केवल इस लेटर के बेस पे आप समस्त एनपीएस इंप्लॉईजनोमस बॉडीज हैं उनमें अब आप ग्रेचुअटी दे दीजिए ध्यान देना एनपीएस में ग्रेच्युटी लागू हो चुकी है ऑटोनोमस बॉडीज के लिए लेकिन जो एजुकेशन डिपार्टमेंट था उसमें लागू नहीं हुई थी तो ये एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए क्लैरिफिकेशन आया है कि अब जितने भी अब चाहे से एजुकेशन डिपार्टमेंट हो या नॉन एजुकेशन डिपार्टमेंट हो जितने भी एनपीएस एम्प्लॉई है उन सब के लिए अब क्या लागू हो गई है ग्रेचुअटी जो काफी लंबे समय से इसकी मांग चल रही थी ग्रेचुअटी क्या होती है और उसकी कंप्लीट डिटेल मेरे चैनल पे अवेलेबल है एनपीएस का नेशनल पेंशन स्कीम का गूगल का सबसे बड़ा वीडियो मेरे चैनल पे है जिसमें आपको प्रॉफिट से संबंधित सारी जानकारी दी गई है उस पूरी स्कीम की आप जरूर जाके देखें ठीक है इसके अलावा ग्रेजुएटी में डेथ ग्रेजुएटी भी होती है देखिए और रिटायरमेंट ग्रेजुएटी भी होती है इन सब के लाभ अब हम सबको मिलेंगे किनको जितने भी एनपीएस के कर्मचारी हैं चाहे वो ऑटोनोमस हो या दूसरे उन दूसरे जो हैं नॉन ऑटोनोमस हैं उन सबको तो पहले से मिल रहे हैं अब जितने भी ऑटोनोमस है और उस ऑटोनोमस में भी जितनी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उन सबको डेथ ग्रेजुएटी और रिटायरमेंट ग्रेजुएटी का लाभ दिया जा रहा है अभी बीस लाख तक की सीमा चल रही है मैक्सिमम ग्रेजुएटी की तो रिटायरमेंट पे मैक्सिमम ट्वेंटी लाख रुपए तक आपको एनपीएस के तहत काम करने पर भी अब ग्रेचुएटी मिल पाएगी और डेथ ग्रेचुएटी भी है उसकी कैलकुलेशन अलग होती है तो आप उस वीडियो को जरूर देखें और ये पूरा लेटर है अवेलेबल है मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा कोई दिक्कत नहीं है आप इस लेटर को खुद भी देख सकते हैं अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वहां फाइनेंस से संबंधित शेयर मार्केट से संबंधित समस्त जानकारी या चैनल पर फ्री अवेलेबल है थैंक यू फ्रेंड्स अगर मेरे चैनल पर किसी वीडियो को आप ढूंढना चाहते हैं तो उसको कैसे ढूंढेंगे आप youtube.com डॉट पर जाके इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर टाइप करें जैसे ही ये टाइप करेंगे आपके पास इस तरह से ये चैनल खुलकर आ जाएंगे ठीक है ये मेरे चैनल का लोगो है आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं या नाम पर क्लिक कर सकते हैं कहीं पर भी क्लिक करें जैसे मैंने क्लिक किया तो ये मेरा चैनल खुल जाएगा और यहां आ जाना है प्ले वाले सेक्शन में आपको प्ले वाले सेक्शन में अगर नीचे की साइड में आएंगे ना तो ये आपको मल्टीपल प्ले मिलेगी आप मोबाइल में यूज करें या कंप्यूटर में दोनों ही जगह पहले क्रिएटेड प्ले आती है फिर उसके बाद मल्टीपल प्ले आती है तो नेशनल पेंशन स्कीम के लिए इस प्ले पर क्लिक करना है इसमें 97 सेवन वीडियोज हैं आप देख सकते हैं शेयर मार्केट अगर आपको सीखना हो तो इस प्ले पे क्लिक करेंगे व्यू प्ले तो यहाँ थर्टी सिक्स वीडियो है इन्वेस्टमेंट से संबंधित जितने भी वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो ये फाइनेंशियल सोल्यूशंस है इसकी प्ले आप चेक करें यहां ट्वेंटी नाइन वीडियोज हैं ऑलरेडी अभी और टेक्निकल सोल्यूशंस चाहते हैं कंप्यूटर और मोबाइल की कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस प्ले को क्लिक करें कंप्यूटर सीखना चाहते हैं बेसिक जानकारी चाहते हैं तो आप इस प्लेलिस्ट को क्लिक करें फिर और नीचे जाएंगे आप अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में इधर दाईं तरफ जाएंगे क्लिक करके तो आपको एस की समस्त स्कीम्स की जानकारी मिलेगी इस प्ले में पोस्ट ऑफिस की कोई भी स्कीम आपको इस प्ले में देखने को मिलेगी गोल्ड इन्वेस्टमेंट सॉवर गोल्ड बॉन्ड जितनी भी गोल्ड की इन्वेस्टमेंट की स्कीम्स है वो सारी इसमें देखने को मिलेगी सीसीएस एनपीएस रूल्स के लिए अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है आप इसको देख सकते हैं क्रिप्टो करेंसी की भी प्लेलिस्ट है और इसके अलावा आप देखेंगे तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड की स्कीम है कंप्लीट सीरीज है एफडी आरडी आर डी फिक्स डिपोजिट और ये जो रिकरिंग डिपॉजिट होती है उससे संबंधित कंप्लीट प्लेलिस्ट लिस्ट है एमएस एक्सएल अगर आप सीखना चाहते हैं तो एमएस एक्सएल मास्टर सीरीज है मेरे पास ग्रेचुएटी के लिए ग्रेचुएटी की सीरीज है तो ये तो हो गई प्ले जिसमें आप मोबाइल और कंप्यूटर दोनों में देख सकते हैं लेकिन अगर आपको वीडियो सर्च करना हो कोई पर्टिकुलर की प्ले से नहीं कोई वीडियो सर्च करना हो तो कैसे करेंगे आप आप कंप्यूटर में ये वीडियो वाले सेक्शन पे क्लिक करना और अब आपको क्या करना है ये सर्च वाला बटन है इस सर्च वाले बटन पर क्लिक करना और अब आप अगर शेयर बाजार से संबंधित कोई वीडियो चाहते हैं तो यहाँ केवल इतना सा टाइप करें शेयर और सर्च करें तो यहाँ शेयर से संबंधित शेयर मार्केट से संबंधित सारे वीडियो दिखाई देंगे शेयर मार्केट के लिए सबसे बेस्ट वीडियो है मनी कंट्रोल कैसे यूज करें है ना ये आप जरूर देख लेना तो यहां बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको फिर अगर नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में आप जानना चाहते हैं तो एनपीएस लिख दे तो एनपीएस लिखेंगे तो देखिए एनपीएस के ऊपर बहुत सारे वीडियो हैं बहुत सारे मतलब गूगल के सबसे ज्यादा वीडियो मेरे ही चैनल पर है फिर ग्रेचुअटी अगर जानना चाहते हैं तो आप ग्रेचुअटी के बारे में लिख दें ठीक है ये ग्रेचुअटी मैंने लिखी और सर्च किया तो देखिए ग्रेचुअटी से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे कवर हो जाएंगे फिर अगर आपको पब्लिक प्रोविडेंट फंड देखना हो कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड के वीडियो कौन कौन से हैं सर के पास तो पीपीएफ लिखें और सर्च करें तो ये पीपीएफ के सारे वीडियो दिखाई देंगे ठीक है फिर उसके बाद अगर आपको एस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कोई स्कीम्स के वीडियो देखने हो तो यहां एस बी और सर्च करें यहां SBI से संबंधित समस्त वीडियो आपको देखने को मिलेंगे फिर अगर आपको पोस्ट गोल्ड की स्कीम्स जाननी हो कि गोल्ड इन्वेस्ट गोल्ड में कैसे इन्वेस्ट करें और कौन कौन सी स्कीम्स है तो गोल्ड लिखें और गोल्ड पे क्लिक करें तो आपको सारी गोल्ड की स्कीम्स यहाँ देखने को मिल जाएंगी फिर अगर आपको पोस्ट ऑफिस की कोई स्कीम देखनी है कि पोस्ट ऑफिस से संबंधित कोई स्कीम हो जो आप देखना चाहते हो तो आप पोस्ट लिखें और सर्च करें तो आपको यहां दिख जाएगा पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीम्स है जितने भी इंश्योरेंस प्लान है पोस्ट ऑफिस के वो सारे मैंने यहां दे दिए है फिर उसके बाद है एफडी अगर आप जानना चाहते हो फिक्स डिपोजिट स्कीम्स कौन कौन सी है सर के पास कौन सी वीडियो है तो एफडी लिखें और एफ के जितने भी वीडियो है जितनी भी इंटरेस्ट रेट है अलग अलग बैंक की वो सारी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी और फिर अगर आप एमएस एक्सएल सीखना चाहते हैं तो यहां एक्सएल लिखें यहां केवल आपको क्या लिखना है एक्सएल लिखना है और एक्सएल लिख के क्लिक कर देना है तो आपको यहां एमएस एक्सएल के भी वीडियो देखने को मिल जाएंगे और इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी योजना जाननी हो जैसे सुकन्या समृद्धि योजना सुकन्या समृद्धि सुकन्या जानिए मेरे को मान लो तो मैं यहां सुकन्या लिख देता हूं ठीक है तो यहां मेरे को वीडियो देखने को मिल जाएगा सुकन्या समृद्धि योजना तो जो भी योजना या जो भी आपके मन में हो कि मुझे इस चीज से संबंधित कोई टॉपिक सर के चैनल पर है तो आप यहां वो टॉपिक लिख दें आपको उससे संबंधित वीडियो मिल जाएगा जहां तक संभावना है अगर चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें